हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मैं भी ठीक हूँ। तो आपके बहुत सारे कमेंट मुझे रिसीव हो रहे थे, जो आपके कमेंट होते हैं उसी रिक्वायरमेंट पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपके कमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा देखने को मिले मुझे इस बार। तो ग्रे हेयर के लिए क्या करें, जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो उनके लिए क्या करें, कुछ ऐसा नेचुरल आप बताइए। तो इस तरह के कमेंट मुझे रिसीव हो रहे थे। तो गाइज, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी नेचुरल कलर तो कैसे काला घना मजबूत कर सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। तो कुछ लोगों के कमेंट ना मुझे ऐसे भी रिसीव हो रहे हैं, जो बेकार बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, इतने लंबे बाल नहीं होते, झूठ मत बोलो, ये मत बोलो। तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अप्लाई भी करते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलता है और मेरे साथ अच्छे अच्छे कमेंट वो करते हैं। तो आज मैं आपको नेचुरल कलर बताऊंगी। अगर जो आप केमिकल वाला कलर अपने बालों में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है। तो देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कई वीडियो देखे जो कलर लगाने की वजह से बालों का ये हाल होता है। तो बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ आपको अपने बालों में अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी कलर लगाना है और आपको जल्दीबाजी रहती है तो आपको अपनी स्किन पे सबसे पहले लगा लेना है, अपने हाथ पे लगा लेना है उसको, और उससे आपको इरिटेशन हो रही है या जलन हो रही है तो उसके बाद आपको स्कैल्प पे लगाना चाहिए। और मैं केमिकल के बारे में आपको केमिकल लगाने के लिए कभी भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी केमिकल वाला कलर लगाने के लिए कभी भी ये चीज़ें मैं आपके साथ नहीं कहूँगी कि आपको ये चीज़ लगानी चाहिए। जो नेचुरल कलर है उसके बाद आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो ये चीज़ें आप जान सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों में एक नेचुरल कलर लाने के लिए, अपने बालों को काला करने के लिए सबसे पहले तो आप हिना का एप्लीकेशन महीने में एक बार करें। तो उसके लिए बहुत पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इस समय मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो इस समय मैं हिना अपने बालों पे नहीं लगा सकती, क्योंकि बहुत लंबे बाल हैं, बालों को सुखाना और वॉश करना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैं अभी हिना नहीं लगा रही हूँ। तो उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, बहुत पहले डाला था। और महीने में हो सके तो आप एक बार हिना का एप्लीकेशन करें। दूसरा, सेम हिना की तरह दिखने वाला पाउडर इंडिगो पाउडर, जो नेचुरल कलर है, जो आपके बालों को नेचुरली काला करता है, अमोनिया फ्री है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है जो हमारे बालों को हार्म करता है। तो सबसे पहले आपको इंडिगो पाउडर ले लेना है। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं, मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। तो इंडिगो पाउडर को क्या करना है आपको, आपको उसको एक लोहे का बर्तन लेना है, कुछ भी लोहे का पैन हो तो उसमें आपको पानी डालना है अपने बालों के अकॉर्डिंग, जितना हीना आपके बालों में लगता है या इंडिगो पाउडर जितना लगेगा आपकी स्कैल्प या लेंथ पे पूरे बालों के, तो उस हिसाब से आपको पानी उबाल लेना है। उसमें 4 से 5 लौंग डालने हैं। लौंग इसलिए, वो आपके बालों को मजबूत करते हैं, साथ ही डैंड्रफ फ्री करते हैं। और उसको उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद आप चाहे तो उसमें चाय पत्ती का पानी भी मिक्स कर सकते हैं। अगर चाय पत्ती का पानी नहीं करते हैं तो सिर्फ आप लौंग डाल करके पानी को खौला लीजिए। अच्छे से उबलने के बाद आपको उसमें अपने बालों के अकॉर्डिंग इंडिगो पाउडर भिगा देना है। तो इस कलर का होता है, सेम हिना पाउडर जैसा होता है। और उसको भिगाने के बाद अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उसमें आपको कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल के डालने हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही आपको एलोवेरा ज़रूर डालना है। मैं हर एक रेमेडी में एलोवेरा का यूज करती हूँ और नतीजा आप देख सकते हैं, मेरे बाल कितने अच्छे हैं और कितने लंबे होते जा रहे हैं, मेरे बाल बढ़ते जा रहे हैं अभी भी। तो एलोवेरा का मैं ज़रूर यूज करती हूँ। तो उसमें आपको एलोवेरा मिक्स कर लेना है। नेचुरल है तो और भी अच्छा है, नेचुरल नहीं है तो आप मार्केट से ला करके उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत ठंडा रहता है, सर्दियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसमें स्कैल्प ड्राई हो जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है हमारी,
तो इसके लिए वो आपके बालों को सिर्फ आप इंडिगो पाउडर लगाते हैं तो बालों को ड्राई कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें एलोवेरा मिक्स करना है अच्छे से ज़्यादा आपको एलोवेरा मिक्स करना है। पाउडर की मात्रा, जितनी आप पाउडर की मात्रा डाल रहे हैं उतना ही आपको एलोवेरा उसमें मिक्स करना है। और अच्छे से साफ बालों में, जब आप ऑयल नहीं लगाते हैं और साफ आपके बाल इस तरीके से रहते हैं तब आपको उसको लगाना है। पूरे बालों में, पूरी लेंथ पे लगाना है, 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है। आपको कोई भी ज़्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, सिर्फ आपको गुनगुना करके फिर बालों को अच्छे। नेक्स्ट डे आपको हैवी ऑयलिंग कर लेनी है, जैसे कि हम हिना का एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद ऑयलिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ऑयलिंग कर लेनी है। और ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे आपको किसी भी माइल्ड शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। केमिकल वाली कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, केमिकल वाले कलर नहीं लगाने हैं। जैसे कि मैंने बताया, केमिकल लगाने से कलर लगाते हैं तो उससे कुछ दिनों के लिए हमारे बाल काले दिखेंगे और बालों का झड़ना बहुत तेज़ी से हो जाएगा। बाल झड़ते रहेंगे, आपके बाल जड़ से टूटेंगे। और केमिकल रहता है, केमिकल तो बालों को नुकसान ही पहुंचाएगा। स्वस्थ मुलायम दिखेंगे और उसके बाद आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल कलर जो मैंने आपको बताया, तो इसे आप लगा लीजिए और अपने बालों को काला, लंबा, घना करें। इससे बाल काले भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला कि ड्राई हो सकते हैं, तो उसके लिए एलोवेरा डालना है। और आपको दूसरा, मैंने एक ऑयल बताया हुआ है जो आपके बाल लगातार सफ़ेद होते जा रहे हैं। जैसे एक बाल सफ़ेद हो गया, दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं तो दूसरा बाल सफ़ेद दिखता है, तो इसके लिए मैंने तेल बताया हुआ है आपको, तो चैनल में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो उस तेल को बना करके आपको रात को लगाना है, अच्छे से लगाना है, सुबह वॉश करना है। इससे जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है ना सफ़ेद होने की, तो वो वहीं पर रुक जाएगी और बाल काले होने लगेंगे नेचुरली। तो इस तरीके से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं बिना केमिकल के कलर के। तो नेचुरल कलर ये होता है। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।